हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम बैक टू माय चैनल रागिनीज रूटीन व्लॉग। तो अभी शाम के 4:30 बज रहे हैं, क्योंकि अभी मैंने जस्ट एक व्लॉग कंप्लीट किया है मैंने ज्योति के साथ का। तो ज्योति के जो भी सब्सक्राइबर ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है तो थैंक यू सो मच। और आपको वीडियो पसंद आए होंगे मेरे, तो ही आपने मुझे सब्सक्राइब किया है। तो मैं आप सबको थैंक यू बोलना चाहती हूँ वीडियो की शुरुआत में ही। तो अभी मैंने ये वाले बेड की बेडशीट रिमूव की थी ना, तो मॉर्निंग से ही मैंने यहाँ रख दी थी। मैं यहाँ करना ही भूल गई थी, बेडशीट लगाना ही भूल गई यहाँ पे। तो बस बेडशीट सेट की है यहाँ पे, और कपड़े जो मैंने उतारे हैं अभी तो उसकी तह लगा रही हूँ अभी मैं बैठ के, और फटाफट से तय लगा रही हूँ क्योंकि जल्दी भी है मुझे, क्योंकि शाम के डिनर की भी प्रिपरेशन करनी है और घर में एक दो काम और भी बाकी है, बर्तन भी चढ़ाने हैं। तो बस यहाँ पे फटाफट से मैं कपड़े तय करके रख के और फिर मैं आप सबसे आराम से बात करती। हेलो फ्रेंड्स, तो अभी मैं थोड़ी देर के लिए बालकनी में खड़ी हूँ यहाँ पे। अभी चिक्स उठाई है क्योंकि धूप अब चली गई है ना, तो इसी वजह से मैंने चिक उठा ली ताकि थोड़ी सी हवा अच्छी सी आने लगे। और बस अब नेट वाले दरवाजे बंद ही करने पड़ेंगे, जाली वाले, क्योंकि आधे पौने घंटे में जैसे ही दिन ढलेगा मॉस्किटोज बहुत आते हैं, मच्छरों का यहाँ पे भयंकर त्रास है। मतलब इतने ज़्यादा हो जाते हैं ना, अगर थोड़ा सा भी अगर कहीं खुला रह गया तो पूरे घर में भर जाएंगे। बस थोड़ी देर यहाँ बैठ के तभी बालकनी का मजा ले रहे हैं। और ये सारी बिल्डिंग्स है वो बन रही है सारी यहाँ तक। ये वाली एक्चुअली बिल्डिंग है, वो भी बहुत जल्द बनने वाली है, पर ये वाली तो स्टार्ट हो गई है सारे काम। आज डिनर में शायद दाल बनेगी, कौन सी बनेगी ये अभी पक्का कोई मैंने भी पक्का नहीं किया है। और अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने बेडशीट बिछाई है, क्योंकि आज ना मॉर्निंग में मैंने रख के फिर भूल गई थी, यहाँ पे बिछाई नहीं थी, तो बिछाई है यहाँ पे अभी। और कपड़े जो लिए थे बाहर से तो उसको तय किए थे, तो अभी जस्ट सब अलमारी में रख दिया है, मेरी अलमारी में कुछ और राजन के उसकी उनकी अलमारी में। तो बस अभी सेटिंग करके थोड़ी देर बैठी हूँ यहाँ पे। और ये वाली आइस आपको ना थोड़ी स्वेल लगेगी, क्योंकि मुझे स्टाई हो रही है तो बहुत पेन हो रहा है ना, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है। तो देखते हैं अब कल परसों में अगर बड़ी हो गई तो वीडियो नहीं बना पाऊँगी, होपफुली ना हो, क्योंकि मैं मेडिसिन पड़ी है, मेरे ड्रॉप्स पड़े हैं आई ड्रॉप, तो वो डाल लूँगी तो शायद ना हो बड़ी, बाकी तो देखते हैं। तो चलिए, आज संडे है, इवनिंग का टाइम है, तो आज आपके साथ संडे की इवनिंग मैं कैसे स्पेंड करती हूँ वो दिखाऊंगी। वैसे कभी कभार ऐसा भी होता है कि हम लोग बाहर जाते हैं घूमने, पर हाँ आज नहीं जाने वाले हैं क्योंकि हम ऑलरेडी सैटरडे को हो आए हैं बाहर। तो बस आज घर की ही रोटी खाएंगे, डिनर करेंगे घर पर ही। तो चलिए इस ब्लॉग को आगे बढ़ाते हैं, आप बने रहिएगा मेरे साथ। तो यहाँ पे खुशू और उसके पापा ने शाम की इवनिंग की पूजा की है,
और आप देख रहे हो खुशहाल कैसे कैसे आगे जा रहा है। छोटा सा बेल है उसके, टेंपल बेल उसके हाथ में, और उसके पापा पीछे पीछे चल रहे हैं। वो जब भी दोनों पूजा करते हैं और ऐसे ही पूरे घर में धूप धूप जला के घूमते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। वैसे धूप तो राजन के हाथ में ही होती है, तो मतलब कर्टेंस वगैरह का ध्यान रखते हैं। तो बस धूप बत्ती हो गई है, उसके बाद मैं तुरंत आ गई हूँ किचन में डिनर की प्रिपरेशन करने। तो मूंग की दाल बनाऊंगी, जो लचका मूंग की दाल बनती है, मतलब जो एकदम तरी वाली नहीं होती, गाढ़ी गाढ़ी सी होती है, वो बना रही हूँ मैं। तो मेरे मायके में ये दाल बनती है, तो मैं कभी कभार ही बनाती हूँ जब ये इनका मन होता है, क्योंकि इनको भी ये वाली दाल पसंद है। तो बस यहाँ पे मैंने दाल को अच्छे से वॉश कर लिया है, और मैं इसको इसको ना उबालने की ज़रूरत नहीं होती, सीधा ही छौंक लगा के फिर इसको सीटी दिलवानी होती है। तो मैं आज आपकी आपके साथ इसकी रेसिपी शेयर कर रही हूँ। तो रिफाइंड ऑयल में मैंने सरसों, जीरा और हरी मिर्च डाल दी थी, तो उसके बाद हींग, लाल मिर्च और हल्दी डाल के मैंने सीधा पानी का तड़का लगा दिया है। अब पानी जैसे ही डाला है उसके बाद मैं सीधा दाल को डालूंगी, और जितनी दाल ली है उससे डबल पानी लेना है। जैसे चावल में हम हिसाब रखते हैं ना, वैसे ही रखते हैं। वैसे चावलों का हिसाब हर चावल के ऊपर डिपेंड करता है, वैसे ही दाल का भी आप अपने हिसाब से डालना, क्योंकि इसमें ज़्यादा पानी नहीं डलता। तो बस यहाँ पे मैंने पानी डाल दिया है, और उसके बाद मैंने नमक भी ऐड कर दिया है इसमें, और सीटी लगा दूंगी। अब मैं इसकी 2 सीटी में ये दाल रेडी हो जाती है। तो अब मैंने ओवन में दोपहर को ना दही जमाने के लिए रखी थी, तो देखिए बहुत ही अच्छी दही जम के रेडी हो गई थी। तो अब खट्टी ना हो जाए इसलिए मैं आपको इसको फ्रीज में रख दूंगी। तो उसके बाद डिनर के साथ साथ हमें खीरा काटना था, तो मैंने खीरा काट लिया है, और यहाँ पे मैं आटा लगा रही हूँ। आटा थोड़ा सा ही गूंदना था, थोड़ा सा मेरा पड़ा हुआ था सुबह का, तो इसलिए मैं थोड़ा सा ही आटा गूंद रही हूँ। उसके बाद मैं धनिया चॉप करके रख लूँगी, क्योंकि दाल में डालना है, और आप दाल देखना बहुत ही अच्छी टेस्टी बनती है ये वाली दाल। अगर आप लोगों ने ट्राई नहीं की है तो ज़रूर ट्राई करना, और अगर मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो एक लाइक, शेयर और कमेंट करना, और जो भी नए व्यूअर्स है चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना प्लीज़ फ्रेंड्स। तो बस यहाँ पे मैं धनिया चॉप कर रही हूँ, और उसके बाद मैं जो बर्तन का टोकरा दिख रहा है आपको, तो मैं बर्तन लगा लूँगी फटाफट से। तो यहाँ पे देखिए खाना बन के रेडी है, तो आप लोग भी आ जाइए और डिनर कर लीजिए।
तो पत्ता गोभी की सब्जी मैंने अभी नहीं बनाई है, मेरी दोपहर की बची हुई थी तो वही बनाई है मैंने। तो बस ये वीडियो मैं यहीं एंड करूँगी। रात को हम दोनों, मेरी ये फ्रेंड है तो हम दोनों वॉक कर रहे थे डिनर के बाद। तो चलिए जल्दी मिलूँगी एक और नए वीडियो के साथ, तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।